बीआर रैंक का न्यू सीजन आ चुका है और अगर आप भी ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपके टॉप 10 हिडन प्लेसेस लेके आ गया हो जिससे आप आसानी से ग्रैंड मास्टर अचीव कर सकते हो कम से कम टाइम में। और इस वीडियो में 10 ट्रिक बताइए, 10 ट्रिक और चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, सिर्फ 100 कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। और पिछली वीडियो में आपकी बीआर रैंक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कमेंट करने का बोला था जो कि मैं ट्राई करने वाला हूँ एक वीडियो में। अगर आपने कमेंट नहीं करा हो तो जाके वीडियो में कमेंट कर देना इस वीडियो के बाद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रिक नंबर 10 वर्क करने वाली है प्लाज एरिया पे, और ये वाले बंदे ने पीछे मुझे देखा ही नहीं, मैंने इसको नॉक कर दिया। इसको फिनिश करके आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको करना चाहिए प्लाज एरिया बैकअप को, टोटल 3 लोगों की हेल्प लगेगी। पहले तो आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। ये ट्रिक देखने में जितनी आसान है इतनी आसान है नहीं, आप खुद ट्राई करके देखना, क्योंकि मैंने खुद ने 3 बार ट्राई करा जब जाके ट्रिक वर्क करी है। मतलब वर्क तो कर गई थी लेकिन कई बार बंदे नहीं आए थे तो आपको किल करके बताना था। तो आपको देखो यहाँ पे एक लेवल को जैसे लगा देना, दूसरा मैंने ज्यादा ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा नीचे लगा देना, लालच के चक्कर मैंने तीसरा भी ज्यादा ऊपर लगा दिया कि मैं आराम से चढ़ जाऊंगा, लेकिन उल्टा हो गया कि मैं आराम से चढ़ नहीं पाया। और इधर मैंने पहले ग्लोवल पे आसान से जंप कर दी, दूसरे पे थोड़ी दिक्कत आई, सेकंड ग्लोवल इतना ऊपर लगा दिया था कि मैं 2 ग्लोवल में चढ़ गया हूँ। वैसे टीममेट की हेल्प लगी थी, आपने ध्यान से देखा हो, इसलिए 3 ग्लोवल ढंग से लगाना। यहाँ पे एक बंदे का नॉक कर दिया, इसको फिनिश भी कर लेते। आप यहाँ पे अगर बैठोगे तो आप आराम से कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ पे लेट जाओगे तो कोई देख नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 9 वर्क करने वाली इंटेलेक्ट सेंटर पे, और ये वाली ट्रिक इतनी तगड़ी ट्रिक होने वाली। और ये वाली ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन वो थोड़ी हार्ड थी, वो लॉन्च पैड से थी लेकिन लोकेशन लॉन्च पैड की अलग थी जिससे आपको दिक्कत आ रही थी जाने में। बस आपको सिंपल से लॉन्च कर दोगे यहाँ पे से तो आप आराम से इस वाली लोकेशन पे आ जाओ। यहाँ आके आराम से सर्वाइव करो, टॉप 10 करो, लास्ट तक सर्वाइव करके टॉप 10 करके फाइट कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक ग्लू ऐसा लगा दोगे तो आप इसके ऊपर भी चढ़ सकते हो। बस दिक्कत इतनी आती है लास्ट जोन यहाँ बनता नहीं है जिससे आपका टॉप 10 की अगर टॉप 20 तक सर्वाइव कर सकते हो। और हिडन प्लेसेस टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके बिना किसी गेम में माइनस करके आप आराम से अपनी रैंक पुश कर सकते हो। जितनी कम माइनस रखते हो उतना ज्यादा गेम खेलने में मजा आता है। ट्रिक नंबर 8, कोई हिडन प्लेसेस नहीं है लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत कमाल की। इस वाले घर में अगर कोई सामने बंदा आपके सामने बैठा रहता है उसको किसे मारोगे? जैसे यहाँ पे बंदा आपको मार देता है, आपको करना क्या है, इस वाले गेट से आना, इधर एक ग्लू वन लगा देना, विंडो को टच करके ग्लू लगा देना। उसके बाद आपको इस सामने वाले लॉन्च पैड का यूज करना है। लॉन्च पैड का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे लॉन्च पैड कुछ ऐसे सेट करना है जिससे ग्लू वन के मतलब दीवार पे टच हो के आप ग्लू वन पे गिर जाओ। और यहाँ पे मैं ग्लू वन पे आ गया हूँ, इधर से विंडो में जंप करके आप इस बंदे को पीछे से मार सकते हो। सेम सिचुएशन कभी वाली हुई तो आप ये वाली ट्रिक ट्राई करके बंदा मारना, बंदे को मरने में भी मजा आ जाएगा कि बंदे ने कैसा मारा और वो आपको रिक्वेस्ट भेज के पूछेगा। ट्रिक नंबर 7 वर्क करने वाली है बॉक्सिंग जिम के नीचे के साइड में। अगर ये वाले घर के आसपास कभी कोई बंदा रश कर रहा है या अंदर कोई सर्वाइव कर रहे है तो आप इस घर के ऊपर भी जा सकते हो। और कई बार यहाँ पे जोन बनता है तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर चढ़ के एक कवर ले सकते हो, मतलब एक परमानेंट कवर पूरा एक घर। वैसे ये वाले गेम में मेरे टीममेट ने बहुत ही बढ़िया काम करा भाई, मजा आ गया। मतलब एक अकेला बंदा था, उसको टीम अप करके उसको इतने टोकन दे के इतने सारे रिवाइव करे, पिंक वेंडिंग मशीन से जितने रिवाइव करे सारे किल मैंने ले लिए। और इतने किल करके मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर देना। ट्रिक नंबर 6 वर्क करने वाली फार्म टोपिया पे, लेकिन एक टीममेट की हेल्प लगेगी। आपको सोलो की ट्रिक चाहिए विदाउट लॉन्च पैड वाली ग्लोवल से चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, 2 ग्लोवल ऐसे लगाना, दूसरा ग्लोवल एकदम ऊपर मत लगाना, थोड़ा सा नीचे लगा देना। तो ये ट्रिक आप खुद ट्राई कर लेना, सेकेंड ग्लोवल नीचे लगाने का क्यों बोल रहे थे आप खुद समझ जाओगे। और अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको 10 से 12 किल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब आपको दिख जाएंगे बंदे। अगर उसमें से 5-6 किल निकाल लोगे तो निकाल सकते हो। वैसे मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिख गया, मैंने इसको नॉक करके फिनिश कर लिया। चलो फिर नेक्स्ट ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक नंबर 5 वर्क करने वाली फार्म टोपे के राइट साइड में आपको इधर लॉन्च पैड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वो तो लॉन्च पैड आपको सामने के 3 पेड़ दिख रहे होंगे 1-2-3 करके, आपको तीसरे वाले पेड़ के ऊपर सेट कर देना, पूरे ऊपर लॉन्च पैड सेट करके फिर लॉन्च कर देना, आप इस वाली लोकेशन पे आ जाओ। ये वाली ट्रिक की सबसे खास बात ये है कि एनिमी आपके सामने आके मूर्ति बन के खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो पीछे वेंडिंग मशीन है, बंदे खड़े खड़े रिवाइव करते हैं, आप आराम से मार सकते हो। मतलब किल की चिंता करना ही है, यहाँ पे आपको किल सामने ही मिल जाएंगे। आगे एनिमी आएंगे मैं उसकी बता रहा था जबकि बंदा पीछे आ गया। मैं मैकटेन इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि 21 डैमेज मैकटेन का आ रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन आ रहा है, इसलिए मैंने उससे ही मारा है।
ट्रिक नंबर 4 वर्क करने वाली है म्यूजियम पे एक लॉन्च पैड की हेल्प लगेगी। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ट्रिक है म्यूजियम की, आपको बस एक लॉन्च पैड कहीं पे भी सेट कर देना, उसके बाद आपको लॉन्च पैड एकदम परफेक्ट सेट करना है इस वाली जगह पे, और इस वाली लोकेशन पे सेट करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यार मैं स्क्वाड में बहुत सारे बंदे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए डायरेक्ट यहीं पे उतरते, तो आप किल भी कर सकते हो, अंदर की साइड भी बंदे मार सकते हो, वरना आप कहीं पे भी लेट किए कहीं पे भी लेट जाओ आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता है। तो मेरे को ये कोना ज़्यादा सेफ लगा तो मैं यहाँ पे सर्वाइव करूंगा। और यहाँ पे एक एनिमी भी दिख गया था मुझे, और यहाँ पे मैंने इसको हेडशॉट मारा लेकिन बंदा मरा नहीं। चलो बॉडी से मार के इसको फिनिश कर लेते हैं, और यहाँ पे बंदा नॉक तो हो चुका है लेकिन कवर में, चलो इसको फिनिश कर लिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 वर्क करने वाली है मोटर रुइस पे, और ये वाली ट्रिक अपडेट के बाद अगर आप आए नहीं हो तो आपको बहुत तगड़ा कवर देखने को मिलेगा। अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो आप इसके पीछे बैठ के आ सकते हो, और यहाँ पे अगर लैंडमाइन लगा दोगे तो आपके साथ में कोई एनिमी आएगा तो आराम से डैमेज हो जाएगा। तो इस अगर आप फ्री फायर मेरे लिए खुद ट्रिक बना रहा है, मतलब इतनी अच्छी सर्वाइव करने की लोकेशन दे दी। सबसे अच्छी बात एक और बताऊँ, यहाँ पे आप आते हो सामने वेंडिंग मशीन भी देखने को मिल जाएगी। चलो इधर से निकलते, ये वेंडिंग मशीन यहाँ पे है। लास्ट सेकेंड ट्रिक मतलब ट्रिक नंबर 2 वर्क करने वाली है प्लाज एरिया पे। इसके लिए आपको टोटल 2 ग्लू वॉल लगेंगे, मतलब इतनी सेफ बोल नहीं सकते, लेकिन ट्रिक बढ़िया है क्योंकि आपको नीचे एक वेंडिंग मशीन दिख जाएगी जहाँ पे कोई बहुत सारे बंदे आते हैं। यहाँ पे 2 ग्लू वॉल आप ऐसे लगा देना, ज्यादा ऊपर लगाने की जरूरत है नहीं, आपको बता दो क्यों, क्योंकि आपको बस सेकंड ग्लू वॉल पे जंप करना है, फिर इस डिजाइन पे जंप करके आप इस साइड आ सकते हो, यहाँ पे लेट के सर्वाइव कर सकते हो, वरना यहाँ पे एनिमी भी आते हैं। और यहाँ पे मेरे एक नीचे ही एनिमी आ चुका है, इसको मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, लेकिन इसका थोड़ी देर में टीममेट आ गया था तो मैंने सेंटिन्यू लगा रश करने का प्लान बनाया, क्योंकि सेंटिने से वापस ऊपर भी जा सकता है। इसको डैमेज दिया लेकिन अंदर चले गया बंदा, और यहाँ पे मेरे को नीचे पेड़ देखने को मिले, मैंने एक को नॉक कर तुरंत सेंटिने बन के ऊपर आ चुका हूँ। सामने एक और एनिमी आया, इसने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया, लेकिन मैंने उसको लास्ट में हेडशॉट मार दिया। यहाँ पे एनिमी अभी खत्म नहीं हुआ है, आप मार्क देख सकते हो एक नीचे एनिमी है। यहाँ पे मैंने मेडिकेट लगा के सेंटिने यूज करके, क्योंकि मेरे तीनों टीममेट मर गए थे, तो मैंने सोचा सेंटिने से पहले इनको रिवाइव कर दो। रिडेम्प्टिसिस का यूज करने के टाइम सेंटिने करेक्टर बहुत ही ज्यादा काम कर, देखो मैं ऊपर सेंटर ने छोड़ के आ गया और यहाँ पे तीनों को रिवाइव करके वापस ऊपर चले गया। इसी बात पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 वीडियो की लास्ट ट्रिक वापस वर्क करने वाली प्लाज एरिया पे, और इधर आपको एक मिनी लॉन्च पैड लगा देना। मिनी लॉन्च पैड को एकदम परफेक्ट सेट करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कठिन ट्रिक है। आपको इधर एक लाइट के ऊपर सेट कर देना और आप लॉन्च करके आप यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे आके आप एकदम सेफ हो, यहाँ से इतने सारे किल निकाल सकते हो। खुद सोचो इतने मस्त हाइट का एडवांटेज लेके क्या ही किल मिलेंगे। नीचे मेरे टीममेट फाइट कर रहा था, मैं ऊपर से कवर दे रहा इस बंदे को, तो मैंने नॉक कर दिया, फिनिश भी ले लिया इधर, और इधर मेरे हो चुके हैं 4 किल, और इधर एक एनिमी और उधर है, मतलब और किल मिलेंगे। और इधर ये बंदे को डैमेज तो दिया लेकिन कवर में चले गया, तो भाई मेरे टीममेट मर चुके, तो मैं सेंटिने का वापस यूज करता हूँ। मतलब इतने हाइट पे से मैंने सेंटिने यूज करा, अब मैं क्या रिवाइव कर पाऊंगा वो देखते हैं। और अभी सेंटिने का सबसे अच्छी बात ये है कि स्टेचू का टाइम 18 सेकंड कर दिया है, जिससे आप आराम से जाओ, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारा बुइया हो चुका है। अगर आपको ऐसी और हिडन प्लेसेस देखनी हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लेना, अगर आपको ऐसी हिडन प्लेसेस सीएस रैंक की देखनी हो तो राइट साइड वीडियो देख लेना, उसमें कमाल कमाल की हिडन प्लेसेस बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।